हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभी की स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंगलोर टेंडर कोकोनट कैसा होता है, यहां का कोकोनट में कितने वाटर लेवल होते हैं, क्वालिटी इसकी कैसी होती है और ये कहां कहां इंडिया में सप्लाई होता है। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंगलोर टेंडर कोकोनट जो होती है ना, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है। इंडिया के लगभग हर जगह पे इसका सप्लाई है और ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है यहाँ का। इसमें पानी भी अच्छी खासी मात्रा में निकलती है, इसका कलर भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है, साथ में इसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो भी ज़्यादा दिन तक होता है। एंड गाइस, सबसे बड़ी बात ये गुच्छों में होती है, लुंगर में होती है। दैट मीन्स कि ये गुच्छा में कनेक्टेड काफ़ी मतलब मात्रा में रहता है और गुच्छा में कनेक्टेड रहने की वजह से इसकी विशेषता ये है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। इट मीन्स आप इसको कह सकते हो कि इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा अच्छा होता है जब ये गुच्छा में होता है। एंड गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एरिया है कर्नाटका के जहाँ पर काफ़ी मात्रा में टेंडर कोकोनट पाए जाते हैं और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी होती है, जहाँ से आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा मांड्या डिस्ट्रिक्ट मद्दूर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में टेंडर कोकोनट पाई जाती है और यहाँ का कोकोनट काफ़ी फेमस है। इसी तरह से कर्नाटका मैसूर में एक एरिया है, मैसूर में भी अच्छी खासी क्वालिटी का कोकोनट पाया जाता है और काफ़ी बड़े साइजेस होती है वहाँ के। इसके अलावा गाइज, फिर होलाल केरे चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, फिर हुबली साइड में, हासन साइड में है। इस तरह से गाइज, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं यहाँ पे जहाँ से आप टेंडर कोकोनट परचेजिंग कर सकते हो। तो ये सारे जगह से आप कहीं से भी अगर आप टेंडर कोकोनट यहाँ का ख़रीदते हो कर्नाटका का, तो आपको बेचने प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का सारा क्वालिटी प्रीमियम होता है और वाटर लेवल काफ़ी अच्छा होता है। वाटर लेवल कम से कम 350 ml होते हैं कर्नाटका के कोई भी टेंडर कोकोनट में, बस साइज 1.5 kg कम से कम होना चाहिए। 1.5 में कम से कम आपको 350 ml वाटर आराम से निकलता है और ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 ml तक आपको आराम से देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और इसकी पानी बहुत ही टेस्टी होती है और बेंगलोर कर्नाटका का कोकोनट काफ़ी अच्छे मतलब मात्रा में डिमांड होता है। पूरे इंडिया के लगभग हर स्टेट से लोग इसको परचेजिंग करते हैं और इसका अच्छे खासे बड़ी लेवल पे इसका व्यापार करते हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया में कहीं से भी हो और आप चाहते हो कि कर्नाटका टेंडर कोकोनट को कैसे परचेज करें, तो वैसे मैं भी आपको बता दूं कि मैं इसी लाइन से जुड़ा हूं और मैं इसका सप्लाई भी देता हूं। काफ़ी हमारे कस्टमर ऑलरेडी इंडिया में हैं, तो अगर आप भी हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी पर्सनल चैन है, नेटवर्क है, जान पहचान है, तो कर्नाटका आकर खुद भी आप परचेजिंग करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ इसमें बहुत बड़ा नहीं करना होता है, ट्रांसपोर्टर से बात करनी होती है। ट्रांसपोर्टर से बात करने के ठीक बाद आप मस्त अपना गाड़ी लगवा सकते हो लोडिंग पॉइंट पे। तो गाइस, जब आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि कैसे मैं इसका बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, तो मैं आपको नॉर्मली एक दो स्टेप में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब आप इधर घूमने आते हो तो काफ़ी सारे आपको एजेंट्स, फार्मर और मंडी में लिए हुए लाइसेंस आढ़ती लोग काफ़ी मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, उन लोगों से बात करना है, बात करके अपना जो भी है बिज़नेस कैसे करना है उनसे थोड़ी मोड़ी जानकारी लेनी है, अदरवाइज़ आप मेरे से भी ले सकते हैं। और जानकारी लेने के बाद आप मस्त अपना क्वालिटी वगैरह पसंद कर लेते हो। क्वालिटी पसंद करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर टोकन मनी देने होते हैं। कुछ लोग टोकन मनी लाइक एडवांस लेते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। तो एडवांस जैसे ही आप देते हो तो उसके बाद आपके लिए पर्सनल लेवल पे जितना क्वांटिटी आपको लेना होता है, 6000, 12000 या 15000 आपके लिए कट किया जाता है। उस हिसाब से आप गाड़ी मंगवा लेना जिस हिसाब से आपको क्वांटिटी लेकर जानी है। एंड गाइस, इसके बाद आपका पूरा जब गाड़ी डिस्पैच हो जाता है, लोड हो जाता है गाड़ी, और आपका बिल मिल जाता है पूरे टोटल कोकोनट्स का, तो उसके बाद आप पेमेंट क्लियर करके आप अपनी गाड़ी को रवाना कर सकते हो। और इस तरह से आपके यहाँ जब मंडी में आपका जब टेंडर कोकोनट पहुँच जाता है तो आपके एरिया में, तो वहाँ पर आप अपने मंडी में या फिर अपने छोटे छोटे जो भी दुकान वाले लोग हैं उनको डायरेक्ट अपना माल को दे करके सेल करवा सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो गाइज, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारी इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड गाइज, अगर आपके अंदर और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी दे सकता हूँ और आप मेरे साथ भी जुड़कर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।